हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। मेरे नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आज खेलने वाला हूँ पहली बार सीओडी। तो कुछ ऐसा एनिमेशन है, एकदम तगड़ा लग रहा था मुझे, तो मज़ा आ गया मैं देख के। और हम उतरने वाले हैं, मामले फार्म था या हाँ फार्म के साइड में कुछ उतरे, और जैसे नॉर्मली जो पबजी में करते हैं वही करने जा रहे हैं। तो पहले लूटेंगे, फिर बंदों को मारना होता है। वैसे ही मैं इसमें भी वही कर रहा हूँ। यहाँ पर क्रिएट्स मिल जाते हैं, बट पबजी में जो नहीं होता है, क्रिएट्स नहीं होते, वो नहीं मिलते, इसमें मिल जाते हैं। और मैंने जितने हो सके उतना लूटा, और टीममेट्स की तरफ से फायरिंग चल रही थी, तो मैं सोचा कि थोड़ा इसमें भी प्रो बन जाऊँ। भले सामने वाले बोट्स हों, पर अपने तो प्रो बन जाएंगे ना मार मार के। मैंने इसमें अपने मैक्सिमम 8 किल किए। पहला किल ये रहा, एकदम मस्त वाला है, AK-47 से मारा, और टीममेट भी मार देता, और एक पीछे भी उधर। तो सोचता मैं उधर जाऊं, पर एक और इधर आ जाता है, और इसको मारने से पहले मैं हील करना पड़ता है मुझे। तो मैं हील कर लेता हूं, और वो रस भी नहीं करता, मालूम नहीं क्यों। हील करने के बाद ये आया, लगभग बोट ही था ये भी। सीओडी में बोट आते हैं कि नहीं आते? अगर आते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, इसके हिसाब से मैं अपना गेम प्ले थोड़ा खेलूं। हाँ, अगर पबजी बैन हो ही गया हो रहा हो तो मैं सीओडी चालू कर दूंगा। अभी न्यूज़ तो आ रही है कि पबजी अनबैन का है, टेंशन के साथ थोड़ी पार्टनरशिप कैंसिल करेंगे, इसलिए सीओडी मुझे बहुत, मतलब कि कम वीडियोस अपलोड करने पड़ेंगे इसके। और ये रोपवे जैसा है, इसको यूज़ करने के लिए अभी ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, तब भी यूज़ कर लिया। वो बटन मेरा क्राउच के नीचे था इसलिए। हाँ, इसमें प्रॉन का डायरेक्ट बटन दिया नहीं है, पर पहले स्टार्टिंग में मुझे लोडिंग स्क्रीन में मालूम पाया कि इसके लिए आपको क्राउच बटन पे होल्ड करना पड़ता है, तब अपने प्रोन हो सकते हैं। तो अपने को ज़्यादा सांप नहीं मिलेंगे, अच्छा है। और फायरिंग होती है मेरे पे, और बंदा क्लोज भी आ जाता है। इसको तो मैं स्नाइपर से मारने की कोशिश करता हूँ, मेरा टीम मेट मार लेता है, कोई बात नहीं। और मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ, क्योंकि यार काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा हो, और मेरे पास इतना भी डाटा नहीं होता है कि मैं इसको अपलोड भी कर सकूं। 2 GB आता है दिन में, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जल्दी वाईफाई लगवा रहे हैं मेरे पापा, इसलिए अपने बड़ा फाइल भी अपलोड करेंगे, फुल क्वालिटी HD क्वालिटी, तो आपको देखने में मज़ा आएगा। तो ये एक बंदा दिखा मुझे, और मैंने इसको डायरेक्ट रेस कर दिया, थोड़ा डैमेज दिया था इसलिए, और साले मुझे बहुत डैमेज दे देता है, मालूम नहीं क्यों। और हाँ, इसमें अगर आपके पास आपके 100 MS का पिंग हो, तब भी बहुत लैग करता है अपने पबजी में, जब 900 पार हो जाता है, उससे भी ज़्यादा ये लैग करता है 100 पे। और मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ, ताकि कोई दिख नहीं रहा था यहाँ पर, इसलिए स्पीड बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर ड्रॉप भी दिख रहा था, ये ड्रॉप लग रहा था मुझे, एक रेड कलर की लाइन दिख रही थी ऊपर जाने की, वो लगभग मैंने एक दूसरा गेम प्ले खेला था, उसमें जोम्बीज दिख रहे थे उधर, इसलिए इसमें जोम्बीज मोड भी होता है लगभग, ये मैंने कहीं सुना है। बस हाँ, अब मैं एक और गेम ट्राई कर रहा हूँ, क्रिटिकल ऑप्स। अगर आपको अच्छा लगे तो बताना, मैं कमेंट्स में मैं उसके वीडियोस भी अपलोड करूँगा, स्नैपिंग के ही होंगे मोस्ट ऑफ, मैं उसमें स्नैपिंग U-Ratio है वही यूज़ करता हूँ। OP गन है वो, एक ही बार में बंदा ख़त्म कर देती है। आपके इसके ग्राफिक्स कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में बताना, मुझे भी थोड़े ठीक ठाक लग रहे हैं, पर पबजी जैसे मज़ा नहीं आती, वो अलग बात है। और यहाँ पर मैं देख रहा था स्कोप से, कहीं कोई बंदर नहीं दिखे, और मुझे ये दिख जाता,
यार इसमें स्नाइपर भी है, Mini-40 जैसी चलती है, Mini-40 SLR SKS उसकी जैसी चलती है। और हाँ मैंने रेंगल 2.0 का एक वीडियो अपडेट कर दिया है, मतलब कि रेंगल 2.0 अपडेट कर दिया है पबजी मोबाइल का, तो उसको जल्दी आपको गेम प्लेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अब तो मैं स्किल्स इंप्रूव करके मैं खाली क्लासिक मोड ही अपलोड करूँगा ज़्यादा, और आर्केड मोड पे थोड़ा खाली जब स्किल्स के लिए ही ध्यान देंगे। ये मुझे यार बहुत मस्त लगता है, इसको खोलो खोलो और खोल के मारो, जैसे अपने पबजी में नॉर्मली पिक करके मारते थे लोग, बंदे एकदम स्टाइल में मारना हो तो ये ऐसे करते थे, स्कोप पे दबाए रखो, टैप टैप करते रहो तो मस्त, एकदम मस्त दिखता है। मैंने भी ट्राई किया है पबजी मोबाइल पर, जब तक ट्राई करते करते रहा तो पबजी मोबाइल बैन हो गया, इसलिए फिर मज़ा नहीं आता था। मैंने तो इंस्टॉल भी कर दिया था पबजी मोबाइल, फिर अब कल ही डाउनलोड कर लिया है प्ले स्टोर से, मेरे में दिख रहा है प्ले स्टोर में, मालूम नहीं क्यों पर मेरे में दिख रहा था, मेरे फ्रेंड्स में लोगों में दिख नहीं रहा था पबजी मोबाइल, मालूम नहीं ऐसा क्यों हो रहा पर मेरे में दिख रहा था। मैंने डाउनलोड किया, फिर उसको लॉगिन करने में टाइम लग गया, फिर मैंने जैसे लॉगिन किया आराम से, फिर थोड़ा खेलना चालू किया है, उसमें मैं कुछ अपडेट्स के दिखाऊंगा वीडियोस, आप देख लेना। और मैं यहाँ आता हूँ, मेरा टीममेट साला आगे चला जाता है जबकि बंदा यही था, बहुत आगे चला जाता है, नंबर 2 ब्लू कलर दिख रहा है वो बहुत आगे चला जाता, बंदा यहीं पे था, आपको ध्यान नहीं देता। इसमें AKM की RN साइड थोड़ी बहुत ही अलग है, वरना पबजी मोबाइल में एकदम फ्लैट थी और थोड़े बीच में कटआउट लगे थे, इसमें बीच में सही काट दिया पूरा। जो पबजी में RN साइड थी वो OP थी। और मैं निकल लेता हूँ अपने टीममेट्स के पास, ये मालूम नहीं क्यों हेल्थ के लिए होता है, तो ये फुल होता है मैं कर लेता हूँ, मालूम नहीं ऐसा हेल्थ के लिए होता है या फिर नहीं, और मैं यहाँ पर फुल स्पीड में निकल लेता हूँ पहले ही ड्राइविंग खराब, जो मैंने सब पुश करा मुझे लगा वो बंदा है, तब ये मैं आगे जाता जाता मुझे एक बंदा दिखा, अगर ये पबजी मोबाइल होता तो वो बंदा इजीली मैं मार सकता था, पर इसकी गन का डैमेज वैमेज मुझे नहीं मालूम कि क्या कितना है और रेंज कितनी है, और मैंने मार्क भी कर दिया, मेरे टीममेट्स उसको जाके मार सकते हैं। हाँ मैं ये वीडियो रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि रात को मुझे थोड़ी शांति मिलती है, आवाज़ कोई नहीं करता है, इसलिए मैं थोड़ा इजीली रिकॉर्ड कर सकता हूँ रात को वॉइस, बाकी गेम प्ले तो मैं ऐसे दिन में भी रिकॉर्ड कर लूँ, वॉइस के लिए मुझे एकदम शांत आवाज़ चाहिए। और ये चॉपर मालूम नहीं कहाँ से उठा लाया मेरे टीम मेट और मैं पहले ही एक्सीडेंट हो गया, और वो भाग भी जाते हैं लगभग, भागते तो नहीं ये पीछे चले जाते हैं, मैं आगे चला इग्नोर करके निकल लेता हूँ। वापस आ जाते हैं, मैं वापस बैठ के, मैंने उस बार डबल टैप कर दिया था इसलिए मैं उतर भी गया था, काफ़ी टाइम इसमें घूमते हैं, पूरा मैप मैं एक्सप्लोर करता हूँ, मेरा टीममेट करवाता है, ये ड्रॉप था, मालूम नहीं क्या हो रहा था, लगभग वो मेरा जो टीममेट था उसने चेंज कर दी थी सीट, इसकी वजह से ये थोड़ा खतरा खतरा दिखा रहा था, इसलिए मुझे ड्राइविंग सीट लेनी पड़ी। मैंने काफ़ी अच्छा उड़ा लिया प्लेन नॉर्मली से खतरनाक उड़ाया, अब एक ही बंदा बच गया था, उसको ढूंढना था, और ढूंढना तो ऊपर से ढूंढ रहे थे इसलिए थोड़ा मुश्किल नहीं था, तभी वो नीचे झिक जाता है तो मैं डायरेक्ट जंप कर लेता हूँ क्योंकि ऊपर से जहाज में बैठे बैठे कहाँ मार पाएंगे, इसलिए इसको इजीली ख़त्म कर देते हैं। हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, मैं वहाँ पर OP Clips
अपलोड करना स्टार्ट करूँगा जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।